के लिए एक कार्डबोर्ड लाना है, एक वाइट या कोई कलर शीट, प्लेन पेंसिल, स्केल, पेयर ऑफ सीजर्स, ग्लू और उसके अलावा कंपास। ठीक है, तो सबसे पहले आपने क्या करना है, जैसे मैं बोर्ड पे थोड़ा थोड़ा सा बताती जाऊंगी, आपने अपने वाले जो पतला सा कार्डबोर्ड लाया उस पर परफॉर्म करना है। सबसे पहले स्केल और पेंसिल की हेल्प से आपने क्या करना है, यू हैव टू ड्रॉ ट्राइंगल। आप कोई भी ट्राइंगल ड्रॉ कर सकते हो, चाहे वो आइसोसेलेस हो, चाहे वो स्केलर हो, चाहे वो इक्विलेटरल हो। ये एक्टिविटी जो हमारी है, इट इज टू प्रूव दैट कि सम ऑफ एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल इज ऑलवेज 180 डिग्री। हमें क्या प्रूव करना है कि सम ऑफ एंगल्स जो है ट्राइंगल के वो कितना है, 180 डिग्री। इसके लिए सबसे पहले आपने जो कार्डबोर्ड लाया है उस पे आपने ट्राइंगल ड्रॉ की, आप इसके वर्टेक्स को नाम दे सकते हो ए, बी एंड सी। इसके बाद क्या करना है, कंपास लेनी है। कंपास लेके जितनी एक बार खोल लेनी है ना, उसको बार बार चेंज मत करना, एक ही बार खोल लेना। आपने सपोज कर लो 1 सेंटीमीटर या 2 सेंटीमीटर अकॉर्डिंग टू जितनी आपने ये ट्राइंगल बनाई है। ज्यादा बड़ी बनाई है तो आप थोड़ा बड़ा ले सकते हो, और छोटी बनाई तो थोड़ा सा आपने रेडियस लेना। कंपास की जो आपने टिप था यहाँ रखनी है और एक आर्क ड्रॉ करनी है इस तरह, उसको हिलाना नहीं है, उतने ही रेडियस पे फिर आपने टिप रखनी है और उसको क्या करना है, यहाँ पे आर्क ड्रॉ कर देनी है। फिर वही टिप उठा के यहाँ रखनी है और आपने क्या करनी है, यहाँ पर भी एक आर्क ड्रॉ कर देनी है। इतना सभी काम हो जाएगा, लेकिन अगर आप इसको थोड़ा सा ज्यादा अट्रैक्टिव बनाना चाहते हो एक्टिविटी को, तो आप कलर्स यूज कर सकते हो, क्रेयॉन्स यूज कर सकते हो, स्केच कलर्स यूज कर सकते हो, या फिर आपके पास पेन है ना, ब्लैक, ब्लू, रेड, वो यूज कर सकते हो। एक को आप अलग कलर से शेड कर दो, इसको सेकंड कलर से शेड कर दो, और इसको थर्ड कलर। ये शेड करने के बाद आपने क्या करना है, इसको यहाँ से कट करना है। सीजर्स था ना आपके पास, उसके साथ आपने इन तीनों पार्ट्स को क्या करना है, कट कर देना, मतलब इसके वर्टेक्स काट देने। फिर आपने जो प्लेन शीट लाई है, किसी ने व्हाइट लाई है, किसी ने कलर लाई है, वो शीट लेनी है, उस पर स्केल और पेंसिल की हेल्प से स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करनी है। क्या ड्रॉ करनी है, एक स्ट्रेट लाइन। अब ये जो वर्टेक्स काटे है ना हमने, ये वर्टेक्स उठाने और उसके ऊपर पेस्ट करना। जैसे सपोज यहाँ पे कलर इतना आइडेंटिफाई नहीं हो रहा, तो यहाँ पे मैं लिख देती हूँ ये बी, क्योंकि ये बी वर्टेक्स वाला पार्ट है, ये सी वर्टेक्स वाला पार्ट है, और ये ए वर्टेक्स वाला पार्ट है। तो हमने ए उठाया, किस तरह से रखना है आपने, ये जो कर्व पार्ट है ये ऊपर की तरफ पेस्ट किया, दूसरे इसके साथ यही चिपका के पेस्ट कर देना है, और तीसरा भी इसके साथ यही पे चिपका के पेस्ट कर देना है। जब आप पेस्ट करोगे ना, तो ये क्या, ये जो लाइन हमने ड्रॉ की ना, ये बिल्कुल इसकी सीध के ऊपर आ जाएगी। तो यही से प्रूव हो गया, क्योंकि एक एंगल ये है बी वाला, ये सी वाला है, और दिस वन इज ए, जबकि इन तीनों एंगल का सम हम लीनियर पे भी पढ़ते हैं ना, कि यहाँ पे एक पॉइंट के ऊपर दो या तीन एंगल्स बनते हैं, उन सबका सम कितना होता है, 180। तो यहाँ पे ये प्रूव हो गया, क्योंकि हमने ये लाइन के ऊपर पेस्ट किया हुए हैं और पूरी लाइन फॉर्म हो रही है, तो इसका मतलब इन तीनों एंगल्स का सम कितना आ गया, 180 डिग्री। मतलब एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो दिस प्रूव्स द एक्टिविटी, यहां से एक्टिविटी हमारी प्रूव हो जाती है कि सम ऑफ एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल क्या है, 180 डिग्री। समझ में आया? यस मैम।